हेलो एवरीवन, तो यूनिट फर्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का आज हम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें कुछ नंबर्स दे रखे हैं जिनके हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स को लिखना है। तो आइए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। तो देखिए, हमें ये नंबर्स दे रखे हैं जिनके हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स को लिखना है। अब देखिए, हम इन नंबर्स की सिग्निफिकेंट फिगर को लिखें, हम उससे पहले ये जान लेते हैं कि भाई हम किस तरह से किसी भी नंबर्स के सिग्निफिकेंट फिगर्स को लिखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि जो नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं, मतलब 1 to 9 तक कोई भी डिजिट किसी नंबर में अगर मौजूद है तो वो ऑलवेज सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है। क्लियर? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जब आती है कि जब जीरो आ जाता है। अब जीरो भी 3 टाइप से हो सकता है आपके नंबर्स में। अब देखिए कैसे कैसे हो सकता है। देखिए, अगर ट्रैप्ड जीरो है, ट्रैप्ड जीरो का मतलब होता है कि जो भी आपकी नंबर है 1 to 9 उनके बिटवीन अगर कोई जीरो आ रहा है तो वो जीरो ऑलवेज क्या होगा सिग्निफिकेंट होगा। आइए देखते हैं। देखिए, यहां पर ये आपका 2 है, नॉन जीरो है, और ये 8 है, ये भी नॉन जीरो है, लेकिन इसके बिटवीन कौन है, जीरो है, और जो कि एक ट्रैप जीरो कहलाएगा, और ये जीरो सिग्निफिकेंट है। इस प्रकार अगर हम देखें तो इसमें सिग्निफिकेंट होते हैं 1, 2 and 3। क्लियर? मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। इसी तरह से देखिए, आपके पास ये नंबर है, इसमें देखिए ये भी 2 0, 5 और 5 के बिटवीन है, ये भी आपके कौन है, नॉन जीरो है, ये भी क्या है, नॉन जीरो है, लेकिन ये है आपके 2 0, मगर ये 2 0 नॉन जीरो के बीच में है, तो ये ट्रैप्ड जीरो कहलाएगा और ये जीरो भी सिग्निफिकेंट में काउंट होंगे। तो कुल मिलाकर यहां पर होते हैं 1, 2, 3 and 4। तो यहां सिग्निफिकेंट फिगर है कितनी, 4। क्लियर? आइए अब देखिए, इसी टाइप से आपका ये क्वेश्चन है। यहां पर देखिए, आपका डेसिमल पॉइंट दे रखा है और ये उससे पहले नॉन जीरो है, और बाद में भी देखिए यहां पर ये आपका 4 है, ये 3 है, ये भी क्या है, नॉन जीरो है, लेकिन इनके बीच में ये 2 0 दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या है, ट्रैप जीरो है, और ट्रैप जीरो ऑलवेज सिग्निफिकेंट होता है। तो कुल मिलाकर हम काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर हो गए आपके 5। क्लियर? तो बताइए, पहली बार ट्रैप जीरो क्या होता है, समझ में आया? अब देखिए, एक होते हैं आपके लीडिंग जीरो। अब लीडिंग जीरो कौन होते हैं, जो नेवर सिग्निफिकेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, देखिए जो भी आपकी डिजिट है, मतलब ये आपका नॉन जीरो है, 2 है, क्लियर, और उससे पहले जो जीरो आप देख रहे हो ये नॉन जीरो है, और इससे पहले जो जीरो आप देख रहे हो, हम इन्हीं जीरो को लीडिंग जीरो बोलते हैं, और लीडिंग जीरो जो होते हैं वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। तो यहां पर सिग्निफिकेंट जो फिगर्स हैं वो कितनी है, 1 and 2। क्लियर? ओके, बात समझ में आ रही है। चलिए देखिए, अब हम समझते हैं ट्रेलिंग जीरो को। भाई ट्रेलिंग जीरो क्या है, देखिए जो नॉन जीरो डिजिट है उसके बाद जो जीरो आ रहे हैं हम उनको कहेंगे ट्रेलिंग जीरो। अब ट्रेलिंग जीरो में जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं, ये आपको 2 कंडीशन याद रखनी है। देखिए, अगर जो नंबर आपको दे रखा है और उसमें ट्रेलिंग जीरो मौजूद है और वहां पर क्या है, डेसिमल पॉइंट मौजूद है, तो वो जो जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे देखिए, आपके पास ये नंबर है और इसमें आपको डेसिमल पॉइंट दिखाई दे रहा है, और आपको ये नॉन जीरो डिजिट है, और इसके बाद जो जीरो आपको दिखाई दे रहे हैं वो ट्रेलिंग जीरो हैं। तो ये जीरो जो आपको दिखाई दे रहे हैं और इसके अंदर डेसिमल पॉइंट मौजूद है, तो ये जीरो जो हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे। तो कुल मिलाकर यहां पर जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं कितनी होंगे, 3 तो ये जीरो हो गए और 1 ये नंबर, तो कुल मिलाकर 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो बताइए, बात समझ में आई? अब देखो, अब जो पहली कंडीशन तो आपकी ये हो गई। अब देखिए, सेकंड कंडीशन ये है कि अगर नो डेसिमल पॉइंट, अगर आपके पास नंबर है और उसमें ट्रेलिंग जीरो मौजूद है और उस नंबर के अंदर कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो फिर वो जीरो जो होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। जैसे देखो, आपके पास ये नंबर दे रखा है, ये आपके पास है 1, 2, 6 और 000। तो यहां पर कहीं भी आपको डेसिमल पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब ही जो जीरो आपको दिखाई दे रहे हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे।
तो यहां पर केवल सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होंगे, थ्री होंगे, वन टू एंड थ्री, ये जीरो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होंगे। बात समझ में आ गई, तो ट्रेलिंग जीरो भी समझा आपने। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ट्रैप जीरो क्या है, लीडिंग जीरो क्या है, ट्रेलिंग जीरो क्या है, और ये जीरो जो है कब सिग्निफिकेंट होंगे और कब सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। जबकि हम तो ये जानते हैं कि जो नॉन जीरो है तो वो तो ऑलवेज सिग्निफिकेंट ही होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं आपको, टू थ्री फोर बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट होंगे, तो ये सब जो है नॉन जीरो है, तो इसमें तीन सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। क्लियर? तो आई बात समझ में, तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।